हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मीत ग्रे निंजा के एकदम न्यू वीडियो में। तो आज आ गया है गाइस मंडे का न्यू रीडिंग कोड पोकेवर्स वर्ल्ड का। और यहाँ पर गाइस ये मैक्स लेयर का आ गया इवेंट। ये 13 जनवरी को अपडेट हुआ था और फिर ये आ गया है ये मैक्स लेयर का इवेंट। बट गाइस इसमें ना बहुत ही तगड़े पोकेमोन है, तो मैं भाई कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ये इसका चिप, ये देखो यहाँ पर ये अल्ट्रा वॉर्म होल मैंने अनलॉक तो किया है, बट वो चिप गाइस बैटल करने पर मिलता है, तो इसके साथ बैटल करने पर मैं हार जाता हूँ बार बार। इन सब से भी गाइस बैटल करनी होती है तब हमें इसका ये मिलता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे अभी ये मिला है। मैंने यहाँ पर गाइस बैटल कर कर के लेवल 2 यहाँ पर क्लेम कर लिया। मैंने 10 बार लगभग खेला बैटल तब जाकर यहाँ पर लेवल 2 आया और ये मैंने क्लेम किया और मुझे ये मिला। इसको कहते हैं पोके ब्लॉक रायचू का, वो मैंने गाइस यहाँ पर लगाया वो रायचू का पोके ब्लॉक, और फिर मुझे उससे चिप मिलेगा रायचू का। बट वो गाइस उसके साथ मैं चैलेंज करने पर हार ही जाता हूँ, उनके साथ बैटल करने पर भी बहुत ही मुश्किल से मैं जीत पाता हूँ। इस गेम में गाइस मुझे 1-2 महीने ही हुए सिर्फ, अभी मुझे गाइस ये डिवाइन बीस्ट का भी नहीं मिला। ये देखो मैं इतना न्यू प्लेयर हूँ कि मुझे ये भी नहीं मिला। ये डिवाइन बीस्ट से अभी मैं ले ही रहा हूँ ये पोकेमोन। वैसे गाइस मेरे पोकेमोन का ये देखो सीपी तो काफ़ी ज़्यादा है, 1,00,000 से भी ज़्यादा है सभी पोकेमोन्स का, ये तीनों पोकेमोन का। बट फिर भी यार मैं हार जाता हूँ। सिर्फ एक ही बार गाइस मैं ये रायचू का ये चिप ले पाया। यहाँ पर ये देखो ये मेरे पास 15 हो गए। एक बार मैं पता नहीं कैसे जीत गया बैटल तो मुझे ये चिप मिल गया। अब मैंने जब दूसरी बार बैटल कर रहा था तो भाई जीत ही नहीं पा रहा, पता नहीं पहली बार कैसे जीत गया। और गाइस यहाँ पर ये देखो मैंने ये डियाना मैक्स पोके ब्लॉक से इसका लेवल यहाँ पर 42 कर दिया है। 200 कर सकते हैं हम मैक्सिमम, मैंने अभी 42 किया है। ये डियाना मैक्स पोके ब्लॉक गाइस हमें मैक्स लेयर में बैटल करने पर मिल जाएगा। अब गाइस इससे होता है ये डियाना मैक्स या फिर इस डियाना मैक्स स्टेज से होता है वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अभी मैं कलेक्ट कर ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और वैसे भी गाइस यहाँ पर ये चिप 31 कलेक्ट करना पड़ेगा तब जाकर भाई ये डियाना मैक्स शायद बन पाएगा। अब डियाना मैक्स कैसे बनता है वो भी मुझे नहीं पता, अभी मैं भी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ही रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा आपके लिए। तो चलो अभी गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ गिफ्ट कोड। तो ये रहा गाइस ये गिफ्ट कोड, इसको एक्सचेंज कर लेना आप, मैंने भी कर लिया है। और ये है गाइस रिवॉर्ड 300 डायमंड 100 स्टेमिना। तो ये गिफ्ट कोड गाइस वैलिड रहेगा 22 जनवरी तक। और यहाँ पर गाइस मैं आपको पोकेडॉक्स में दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आए हैं डियाना मैक्स वाले पोकेमोन। ये सारे गाइस पोकेमोन आए, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक टीम में ये दोनों डियाना मैक्स आए, और ये दोनों आए पॉइजन टीम में। वाटर की टीम में ये दोनों आए, और फायर टीम में ये दोनों, ड्रैगन टीम में ये दोनों है। यूनिवर्सल में 4 है पोकेमोन्स, और ये गाइस स्पेशल में नहीं है और साउल लिंक में भी नहीं है। तो इनमें है गाइस डियाना मैक्स वाले पोकेमोन। बस गाइस आपको वॉर्म हॉल चूज करना है, आपको किस वॉर्म हॉल में बैटल करना है। मैंने इलेक्ट्रिक वाला ये चूज़ किया था, थंडर वाला। फिर गाइस आप 5 बार बैटल करोगे तो यहाँ पर आपका लेवल 1 होगा। मेरा यहाँ पर लेवल 2 है क्योंकि मैंने 10 बार बैटल की, इसलिए यहाँ पर लेवल 2 हो गया। हर बार आप बैटल करोगे तो आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट चाहिए तो आपको 5 बैटल करनी पड़ेगी और उसमें जीतना पड़ेगा। और एक दिन में गाइस आप 10 बार बैटल कर सकते हो, फिर आपका ये कंसप्शन हो जाएगा। अगर आप 10 बार से ज़्यादा करते हो बैटल तो ये कंज्यूम होने लगेगा। और यहाँ पर अगर आपके पास वो पोके ब्लॉक आ जाता है तो ये अल्ट्रा वॉर्म हॉल खुल जाता है, और फिर आप वो पोके ब्लॉक लगा देना ताकि आपको ये चिप मिल जाए इसके साथ बैटल करने पर। और यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे गिफ्ट भी होते हैं जो मैंने उठा लिए, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर स्टेप्स भी आपको ध्यान से चलना है, क्योंकि अगर आपके स्टेप्स 0 हो गए तो आप बैटल ही नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर गाइस आपको पोके ब्लॉक रखना है आपके पास जो हो, इससे गाइस आपको मिल जाएगा ये चिप। और यहाँ पर आपको चैलेंज करना है, ये बुक चाहिए गाइस चैलेंज करने के लिए, इसको क्लू कहते हैं, लेजेंडरी क्लू। तो ये आपको डायमंड देने पर मिल जाएगा, 400 डायमंड लगेगा। तो इस तरह से गाइस ये चैलेंज हो जाएगा।
आप मैक्स भी सेट कर सकते हो। मैंने ये की किए तो यहाँ पर ये देखो, ये ब्लेसिंग्स आपको उठाना है। तो इस तरह से गाइस ये ब्लेसिंग उठाना है और आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, ये डायनामिक्स एनर्जी रिकवर, क्रिट डैमेज इंक्रीज, एडिशनल डैमेज। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है वो ले लो, मैं ये ले रहा हूँ। इस तरह से गाइस यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेप्स अगर ज़ीरो हो जाएंगे आपके, बाहर निकल जाएंगे इस अल्ट्रा वॉर मॉल से, और फिर आप इसके साथ बैटल भी नहीं कर पाएंगे। अगर गाइस आपको पता है कि कैसे डायनामिक्स करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। सो इस वीडियो को गाइस मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।